सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंटर का आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके दो चैप्टर हमने खत्म करा दिए हैं। देखिए, त्रिकोणमिति वाला इनवर्स वाला चैप्टर था वो करा दिया खत्म, और मैट्रिक्स सावी वाला चैप्टर खत्म करा दिए। उसको जो मैट्रिक्स सावी वाला है वो आप पढ़ लेना, दोनों चैप्टर सही तरह से पढ़ना, ठीक है? और वीडियो को नए भी मिस मत करना, ठीक है? उन्हें पूरी वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने आपका चैप्टर 3 शुरू किया है, साड़ी वाला, ट्रिमानेंस वाला, ठीक है? जिसमें आपको कुछ दो तीन नियम है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। क्योंकि आपको जब तक ये नियम नहीं मालूम तो आप कर नहीं सकते। हम आपको नियम समझा दे रहे हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जाना से जाना मेरे वीडियो को शेयर करना, ठीक है? देखिए क्या है, साड़ी के रूप एवं अवयव क्या होते हैं। साड़ी के रूप और अवयव क्या होते हैं, हमने देखिए आपको अवयव तो बता दिया लेकिन साड़ी नहीं बताया। साड़ी ये है, ठीक है? देखिए, किसी साड़ी पक्तियां क्या, किसी साड़ी की पक्तियों की संख्या क्या है, बराबर, स्तंभों की संख्या बराबर, और साड़ी की कोटि बराबर। इनके तीनों चीजें देखिए, साड़ी की पक्तियां भी बराबर होंगी और स्तंभ भी बराबर होंगी और कोटि भी बराबर होगी, ठीक है? देखिए जिस तरह ये है, जब हम इसे हो गया, देखिए ये तो इसमें तो इतना ही पूछेगा, ठीक है? अब देखिए साड़ी का विस्तार क्या होता है। देखिए द्वितीय कोट के साड़ी का विस्तार, ठीक है? देखिए द्वितीय कोट का साड़ी का विस्तार क्या हमें करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो विकर्ण होते हैं हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे, ठीक है? आपने ब्लोपन पढ़ा होगा, इससे वाला चैप्टर ब्लोपन में ऐसा ही होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? देखिए इसमें भी a1 b2 माइनस, ठीक है? ये हो गया, ठीक है, चिन्ह लगाता था। अब देखिए तृतीय कोट की साड़ी क्या आप विस्तार कैसे आप करोगे, देखिए इसमें आप कैसे कर सकोगे, देखिए कर सके हो आप, पहले इसमें का इसमें करोगे, फिर इसमें ऐसे करोगे, इसमें ऐसे करोगे, इसमें ऐसे करोगे, इसमें ऐसे करोगे, मगर ऐसे नहीं करना है आपको, हम बताएंगे कैसे करोगे, ठीक है? देखिए देखिए क्या करोगे आप, ऊपर मिटा देना, ठीक है? देखिए तृतीय कोट की साड़ी का विस्तार हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, ये बड़े, ठीक है? आपको क्या क्या करना, देखिए ये मिटा रहे दे रहे हैं, हैप्पी हो जाएगा, नोट कर लेना। देखिए क्या है तृतीय कोट वाला, देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। देखिए अब क्या करोगे, देखिए तृतीय कोट करने के लिए क्या आपका कैसे करोगे, देखिए जो पहला स्तंभ है इसे भी मूंद लीजिए और पहली पंक्ति है इसे भी मूंद लीजिए। तो क्या करोगे, देखिए पहले हमने क्या मूंदा, देखिए ए लिखोगे पहले, ए वन क्या ए वन वाली हमने लिखी है, देखिए ए वन मूंद लो, इसे भी मूंद लिया, ठीक है? अब क्या बचा, हमें इसे देखना है, ठीक है? देखिए ये तो मूंद गई, अब क्या बचा, ये बचा, देखिए लिख ले रहे हैं यहां पर, लिखो देखिए b2 c2 b3 और c3, ठीक है? अब क्या यहां किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। अब देखिए अब दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, देखिए क्या मूंद रहे, b1, ठीक है? देखिए मूंद लिया, अब क्या बचा, a2 a3 कौन सी दूसरी पंक्ति मूंदी थी, और पहला दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति, ठीक है? पहले हमने कहा पहला स्तंभ मूंदा था, पहली पंक्ति ये उतार लिया था, अब दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति मूंदेंगे क्या, देखिए a2 a3 हमें क्या क्या दिख रहा है, a2 c2 a3 और c3, यहां माइनस, इसका यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस का आप चिन्ह लगा। अब देखिए क्या करेंगे, तीसरा स्तंभ मूंदेंगे जब हम, और पहली पंक्ति मूंदेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिएगा,
ठीक है सॉरी देखिए C1 लिखेंगे हम पहले तो C1 लिख लिया जो हम पहली पंक्ति है वो लिख लेते हैं क्योंकि A1 पहले मुद्दा था तब ये देखिए ये होगा B1 ठीक है C1 अब देखिए मुद रहे इसे पहली पंक्ति तीसरा इसका मुद्दा क्या बचा A2 B2 A3 B3 ठीक है A2 B2 A3 और B3 ठीक है आप देखिए आप क्या ये दो दो स्तंभ वाले दो दो पंक्ति वाले हो गए ठीक है इन्हें देखना है देखिए हो गए अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो देखिए इसका इसमें कर दोगे इसका इसमें कर दोगे इसका इसमें कर दोगे ठीक है देखिए करो ये मिटा दे रहे हम तृतीय साढ़े फुट वाले देखिए कैसे करेंगे देखिए प्रो देखिए ए पुस्तक बंद करेंगे देखिए B2 C3 किसका चिन्ह आएगा मान इसका क्या हुआ B3 C2 माइनस का चिन्ह B A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस का चिन्ह C1 देखिए सॉरी कोष्टक A2 B3 माइनस B2 A3 ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो आप देखिए A1 का पूरे में इसमें होगा उड़ा देखिए A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 ठीक है अब देखिए ठीक है देखिए B1 A2 C3 माइनस B1 A3 C2 प्लस का चिन्ह लगेगा C1 A2 B3 माइनस C1 B2 A3 देखिए इस तरह हो गया अब देखिए इसमें आपकी संख्या कोई बराबर देखिए A1 B2 और C3 नहीं है ये सारी संख्या क्या डिफरेंस है ठीक है आप इसमें कोई ना तो कट रहा है ना कोई जुड़ रहा है ठीक है हो गया अब देखिए आगे देखिए ये हो गया अब देखिए इसी तरह आपको सवाल मिलेंगे संख्या वाले वो आपको हम बता रहे हैं कुछ 4-5 सवाल देखिए करा रहे हैं अब तो समझो हो गए गुणा कैसे करेंगे इसको तृतीय कोट वाला पहले हम दो दो कोट वाले बताएंगे फिर तृतीय कोट वाले देखिए देखिए कैसा लेते हैं 4 6 -3 2 का मान ये क्या दो स्तंभ और दो पंक्ति वाले ठीक है कैसे करें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए ठीक है 8 ठीक है और माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ठीक है यहाँ माइनस का यहाँ देखिए कैसे करेंगे देखिए आप इस तरह ने देखिए 2 और 4 × 2 और 4 माइनस का चिन्ह लगाएंगे ठीक है अब क्या करेंगे देखिए -3 × 6 लिखेंगे ठीक है इस तरह तो आप समझ सकते हो अब देखिए 2 × 8 माइनस चिन्ह लग गया देखिए जब 3 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 8 जब माइनस का इसमें करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 18 हमें इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा देखिए 26 ठीक है कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा देखिए 26 हो जाएगा अब देखिए आगे सवाल आगे बता रहे हैं आपको नेक्स्ट है दूसरा यहाँ पे देख लीजिए क्या है 2 4 − 1 और 2 का मान ठीक है देखिए कर रहे हैं या तो इसे डेल्टा का चिन्ह लगा लीजिए या तो ऐसी कर लीजिए ठीक है आप डेल्टा अब देखिए 2 × 2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे माइनस का 1 × 4 ठीक है 2 × 2 = 4 माइनस 4 और 4 प्लस का 4 क्या इतना हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये ठीक है ये भी हो गया अब देखिए आगे मिटा देने से
लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका x x प्लस वन, ये हम उदाहरण पर आ रहे हैं, एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। x माइनस वन और x, देखिए हम बता दे रहे हैं कैसे करोगे, उसके बाद देखिए तीसरा और, ठीक है ये हो गया। अब तीन तीन वाले देखिए, x इंटू x, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए x प्लस x, ठीक है, और x माइनस वन। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब जब हम इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे माइनस का एक्स हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स होगा, माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है, वन आंसर आ गया। अब देखिए आगे, अब देखिए हमने दो स्तंभ और दो पंक्ति वाले, अब क्या करेंगे, तीन स्तंभ और तीन पंक्ति वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है आपको। देखिए कैसे करेंगे, तीसरा चौथा है, सॉरी देखिए, लेटा बराबर 2 1 3, माइनस का 2 2 0 3 1 0, ठीक है, ये है। अब देखिए हमने क्या कहा था, डेल्टा का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए क्या करोगे, पहली पंक्ति पहले क्या रखने, पहले 2 लिखेंगे, देखिए 2, ठीक है, साड़ी बनाएंगे, पहली पंक्ति मुनेंगे और पहला ही स्तंभ, देखिए क्या लिखेंगे, 2 0 1 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति लिख रहे हैं तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्तंभ को मुनेंगे पहली पंक्ति को, अब देखिए क्या लिखेंगे, माइनस का 2 3 0 और 0, प्लस का चिन्ह आएगा, क्या लिखेंगे, 3। तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति क्या लिखेंगे, माइनस का 2 2 और 3 और 1, देखिए जब इसका इसमें करेंगे तो ये तो हमारा 0 होगा, सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए 3, ये तो हमारा 0 0 होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2 और माइनस का 6, ठीक है, 3 माइनस का 8, तो माइनस का 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप कर देना, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा एक और बता दे रहे, देखिए पांचवा क्वेश्चन, डेल्टा बराबर 1 2 4, माइनस का 1 3 0 4 1 0, ठीक है, इसे भी करेंगे। देखिए डेल्टा बराबर पहली पंक्ति मुड़ेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 0 1 0, माइनस का दूसरी पंक्ति, देखिए पहली स्तंभ पहली पंक्ति, ठीक है, देखिए क्या है, इसे मुड़ लिया, इसे मुड़ लिया, ठीक है। अब दूसरा स्तंभ मुड़ेंगे और पहली पंक्ति, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 4 और 0, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4। अब देखिए तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति मुड़ेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 1 3 और 4 और 1, ठीक है, समझ गए हुए आप, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले तो पहला स्तंभ मुड़ा था, पहली पंक्ति लिख लिया था पहले, ठीक है, देखिए क्या बचा था, ये बचा था, हमने लिख लिया। अब देखिए दूसरा स्तंभ मुड़ा और पहली पंक्ति, माइनस का 2 लिख लेंगे पहले, ये संख्या पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बचेता, ये बचा और ये बचा था, हमने लिख लिया। अब देखिए तीसरा स्तंभ मुदा पहली पंक्ति मुदी, क्या बचा था, ये बचा था, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो ये तो हमारा क्या हो रहा, 0 0 0 हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस का 4, माइनस का 1, माइनस का 12, ठीक है, तो 12 माइनस का 13 क्या हो जाएगा, देखिए 13 13 13 26 13 53 54, ठीक है, किसका हुआ, माइनस का, देखिए कर लीजिए
आजकल नहीं आता था, आजकल ये चौथी बार है, ठीक है, वन चार है, मानस का आ गया, ठीक है, ये हो गए दो। अब देखिए एक और बता रहे हैं, उसके बाद आपको करने, देखिए देखिए कैसे करोगे, सिक्स में है डेल्टा बराबर जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, सॉरी ये साइन बीटा, ठीक है, माइनस का साइन बीटा और ये जीरो, ठीक है। अब देखिए 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 हमारा ये जीरो जीरो है, इसे देख लेते हैं, ये क्या हमारा, अगर इस तरह संख्या जीरो जीरो दे रखी हो, ठीक है, इस तरह, तो हमारा गुणा करने पर भी जीरो आएगा और कुछ भी कर लो जोड़ने पर भी जीरो होगा। अगर आपकी संख्या इसी तरह दे रखी होती जीरो जीरो जीरो, यहाँ दे रखा था साइन अल्फा और यहाँ पे भी यही साइन अल्फा दे रखा है, तो भी आपका जीरो होता, ठीक है, इसलिए आपको इसे हल नहीं, इस संख्या को ऐसे देखे, आपको यहाँ पे जीरो जीरो देखे तो आप जीरो सीधे रख देना, यहाँ पे जाकर जीरो जीरो देखे तो जीरो रख देना, यार यहाँ पे देखे ऊपर तक तो जीरो रख देना, ठीक है, हल हो गया आपका क्वेश्चन, जीरो आएगा, ठीक है। आप देखिए एक्सएस की तरफ देखते हैं हम, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन आप यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखिए वन है ए टू थ्री और फोर, दूसरा है टू और फोर माइनस का फाइव माइनस का वन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए वन थ्री सेवन सेवन फाइव नाइन टू जीरो वन, ठीक है। अब देखिए चौथा, चौथा आप क्या है फोर जीरो वन थ्री टू थ्री वन टू टू, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन sec x tan x tan x sec x, क्या इसका इसमें करते हो sec स्क्वायर हो जाएगा और ये tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, करते हुए छमा देखिए फर्स्ट है cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये सूत्र बन जाएगा, बना जाएगा आंसर इसका, इसका देख लेना, और x स्क्वायर माइनस x प्लस वन x माइनस वन x प्लस वन x प्लस वन, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन सात से हैं, सात से क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, आप वो बटे में दे रखें, आप नहीं कर सकते इतना दिमाग से, ठीक है, हम समझाएंगे तब आप कर सकते हो, इसलिए इसलिए जितने हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं इतने करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जाना जाना शेयर करना, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।